Welcome back to the All Chemi channel. We are going to continue our general organic chemistry. अभी तक हमने क्या देखा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लास्ट टॉपिक था हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हमने दो इफेक्ट पढ़ी थी. ठीक है, दो एप्लीकेशन पढ़ी थी, वो इसमें से ये पहली थी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट में हम दो देखे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइल. थर्ड वन जा रहे हैं देख रहे. ठीक है, वो है हमारा एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड. मीन्स मेरे कंपाउंड की एसिडिटी कैसे बढ़ सकती है, कैसे कम होगी. ठीक है, उसको हम देखेंगे. तो पहले एसिडिक को रिप्रेजेंट, एसिडिटी को बढ़ाएगा कौन, कम कौन करेगा, वो देख लेते हैं. ठीक है, एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट माइनस एच इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन प्लस आई इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट. ठीक है, ये क्या लिखा हमें एसिडिटी का. देखो, अगर मेरा ये ग्रुप माइनस आर वाला ग्रुप अटैच होगा मेरा एसिडिक कंपाउंड में, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिटी बढ़ाएगा. ठीक है, फिर एच अटैच होगा तो ठीक है, इससे कम बढ़ाएगा. एच बढ़ाएगा, बढ़ाएगा जरूर बढ़ाएगा एसिडिटी इसकी, लेकिन कम बढ़ाएगा. ठीक है, जैसे सेम माइनस आई, ठीक है, वो भी एसिडिटी बढ़ाएगा लेकिन आर एन एच से कम बढ़ाएगा. ठीक है, सेम इधर आ जाओ, ये क्या करता है, प्लस आई प्लस एच एंड प्लस आर, ये प्लस है इफेक्ट है, डेफिनेटली मेरी एसिडिटी को कम करेगा. ठीक है, ये वाला एसिडिटी कम करेगा, लेकिन ये जो दो है उससे थोड़ी कम करेगा, इससे इतनी नहीं करेगा. ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मेरी एसिडिटी कम करेगा. ठीक है, ये प्लस आर ग्रुप वाला है. ठीक है, तो देखो ये हो गया मेरा, ऐसे ऐसे जैसे ये वाले ग्रुप अटैच होते जाएंगे तो वैसे मेरी एसिडिटी कम होती जाएगी. ठीक है, ये अटैच होगा तो बढ़ेगी, ये होगी तो उससे कम होगी, फिर कम होगी, कम होगी, कम होगी, इधर भी कम होगी. ठीक, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमको एसिडिटी पूछे तो किस टाइप से पूछ सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली तुमको वैसे बोल दे कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में लिखो तो फिर ठीक, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन सपोज पूछ ले, ठीक है, एसिडिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एक के से रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना, के एस है, के एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिडिटी. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू कौन से क्या क्या तरीका है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो कैसे पूछ सकते हैं एसिडिटी को, वो रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं. के फिर वन अपॉन माइनस लॉग के फिर वन अपॉन पीके. सिर्फ पीके होता तो आपको पता है पीके रिप्रेजेंट करता है बेसिसिटी को, लेकिन मैं इधर क्या लिखा, वन अपॉन पीके. वन अपॉन पीके मीन्स मेरी हो गई एसिडिटी. ठीक है, देखो ये के है, अगर के बी को मेरे को रिप्रेजेंट करना है एसिडिटी में तो क्या कैसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन के बी लिख सकता हूँ. ठीक है, वन अपॉन के बी फिर प्रोपोर्शनल टू माइनस लॉग के बी. फिर अगर ये पीके है वो बेसिसिटी रिप्रेजेंट करता है, तो पीके बी क्या रिप्रेजेंट करता है, पीके बी रिप्रेजेंट करता है एसिडिटी. ठीक है, जैसे पीके मेरा पूछा है, कोई पीके पूछ ले तो वो बेसिसिटी हमको पूछना चाहता है, तो पीके बी ये है एसिडिटी. ठीक है, फिर देखो एच प्लस से हमको एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, फिर वन अपॉन माइनस लॉग एच प्लस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पीएच. अगर पीएच बढ़ती है तो क्या होता है, बेसिडिटी बढ़ती है. ठीक है, एसिडिटी कम होती है तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वन अपॉन पीएच. ठीक है, अगर ये एच प्लस है तो मेरे को OH को रिप्रेजेंट करना है, तो OH रिप्रेजेंट क्या करता है, बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसको 1 अपॉन OH लिख सकता हूँ. 1 अपॉन OH ये मेरा एसिडिटी भी रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू माइनस लॉग OH. और देखो जो 1 अपॉन PH है वो PH सिर्फ बेसिसिटी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो POH क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली एसिडिटी. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमको किस प्रकार से पूछ सकता है. ठीक है, डायरेक्टली तुमको पूछ दे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके बी. ठीक है, पीके बी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में
इसको लिखो तो फिर बीकेबी मीन्स को तुमको पता होना चाहिए कि बीकेबी मीन्स मेरा एसिडिटी की पूछ रहा है, ठीक है, नहीं कि बेसिडिटी। और गलती कर दोगे तो फिर लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, अभी इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, एग्जांपल में अप्लाई करेंगे, तुमको पता चल जाएगा। पहले एक बता देता हूँ, ठीक है, चलो कि मेरा एसिडिटी कौन बढ़ाएगा, ठीक है। ये इसको निकाल देता हूँ। देखो मेरे पास दो COOH है, ठीक है, दो COOH ग्रुप है, मीन्स एसिडिक कंपाउंड है मेरे पास। देखो ये दो ग्रुप है, ठीक है, दो ग्रुप है। अगर मेरे को मेरी ये ग्रुप की मेरे को एसिडिटी बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकता हूं, मीन्स एसिडिटी का एक तो कंसेप्ट क्या है कि जो मेरा ये फास्ट H+ रिलीज करेगा, ठीक है, H+ रिलीज कर देगा, वो मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैं ऐसा तो कौन सा ग्रुप इधर लगाऊं, ठीक है, यहां तो यहां कौन सा ऐसा ग्रुप लगाऊं कि मेरा H+ फास्ट रिलीज हो जाए, ठीक है। तो इधर मैं आपको ऑलरेडी एक ऑर्डर लिखवाया हूं, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप वाला मेरा एसिडिटी बढ़ाएगा, कौन सा ग्रुप वाला मेरा एसिडिटी को कम करेगा। देखो अगर ये वाले कोई ग्रुप में ले लूं और इधर लगा दूं तो ये मेरा H+ फास्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला कोई ग्रुप लगाऊंगा तो मेरी एसिडिटी को क्या करेगा, ठीक है, H+ को इतना इजीली रिलीज नहीं होने देगा, ठीक है, इजीली रिलीज नहीं होने देगा, तो मेरी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी। लेकिन इधर क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो H+ तुरंत रिलीज हो जाएगा, तुरंत रिलीज होगा मींस मेरी एसिडिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सपोज मैं इधर क्या लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इधर लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी लेता है, ये भी खींचेगा, फिर तो ये ओ है, वो H के पास खींचेगा और ये क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर देके पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और इधर तो देने वाला है, ठीक है। जो अगर देगा वो एसिडिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, और जो ले रहा है वो एसिडिटी इंक्रीज करता है। मीन्स अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो -H -R और -I वाला ग्रुप है कोई, ठीक है, वो क्या करता है, मेरी एसिडिटी को इंक्रीज करता है। वेल ये वाला ग्रुप कोई अटैच होगा तो मेरी एसिडिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ ये ग्रुप लगा के एग्जांपल में देख लेना है कि कौन मेरा एसिडिटी बढ़ाएगा, कौन मेरा, ठीक है, कम करेगा, ठीक है। अप्लाई करते हैं एग्जांपल में। देखो पहला है, पहले तो आपको मैं ऑर्डर लिखवाया था इंडक्टिव इफेक्ट में, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट इधर क्या करेगा, ठीक, हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अप्लाई करेंगे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं के हाइपरकंजुगेशन, नहीं के रेजोनेंस, ठीक है। तो सिर्फ पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल करेंगे, ठीक है, कि पहले मेंशन कर देंगे कि भाई इसकी क्या क्या ग्रुप की क्या इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो पहले मेंशन कर देते हैं, फिर करेंगे अरेंज, ठीक है, एसिडिटी ऑर्डर में, ठीक है। क्या पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, ठीक है, जैसे कम होती जाएगी ऐसे हमको ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो CH3 क्या करेगा, CH3 ऑर्डर में देख लीजिए, ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर में लिखवाया था और इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, इसका होगा प्लस आई इफेक्ट। देखो इधर क्या है, Cl है, Cl क्या कर रहा है, एक दे रहा है इधर, ठीक है, ये दे रहा है, मींस नहीं, Cl क्या है, मेरा विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, दे नहीं रहा, ये ले रहा है, कहां जा रहे हम, ये ले रहा है, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो इधर क्या है, इधर दो Cl है, तो ये भी क्या कर रहा है, इधर दो Cl विड्रॉइंग कर रहा है, ठीक है, विड्रो कर रहे हैं, और ये इधर तीन Cl विड्रो कर रहा है, ठीक है, तीन Cl विड्रो कर रहा है। मींस एसिडिटी का कंसेप्ट में क्या पढ़ाया हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप कभी आ जाएगा तो मेरा एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जिसमें जितना ज्यादा विड्रोइंग ग्रुप होगा वो इतनी ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज करेगा, सिंपल है। तो इसमें तीन Cl लगा है तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये सब, ठीक है। तो सबसे एसिडिक कौन होगा, मेरा बी, ठीक है, फिर होगा, फिर ऑब्वियसली ये दो वाला आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, एंड लास्ट में प्लस आई इफेक्ट वाला, ठीक है, फिर आएगा मेरा ये, ठीक है, जिसमें प्लस आई इफेक्ट लग रही है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी हो तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो एफ माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर में लिखवाया था, माइनस आई इफेक्ट ऑफ एफ इज ग्रेटर देन Cl, ग्रेटर देन Br, ग्रेटर देन I। इधर एसिडिटी का कंसेप्ट में क्या है, जैसे मेरा माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इधर है एफ, इधर है Cl, इधर है Br,
ठीक है, तब क्या होगा ऑर्डर मेरा? ऑब्वियसली 1 2 3 होगा, मीन्स ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है ना? आपको आर समझ में आ रहा है आई होप, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्या दिया है, सिर्फ तुमको अभी इंडक्टिव इफेक्ट ही अप्लाई करना है। देखो NH3+ में इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे आगे लिखवाया था, ठीक है, OF2+ OR2+ एंड NF3 NR3 एंड NH3, ठीक है? तो NH3 मेरा एसिडिक है, ठीक है, तो इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट। फिर NO2 का क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट। फिर CN इसका क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और इसका क्या F, इसका क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट। अब सबका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगा। अब तो देखना पड़ेगा ऑर्डर हमको कि किसका ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक है। तो मेरा सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, आप ऑर्डर में चेक कर सकते हो, NH3+ का सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो मेरा पहले आएगा ए, फिर आएगा NO2 का बाद में है देख लेना, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, एंड लास्ट में आएगा एफ। एफ मीन्स क्या है? डी, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, किसमें लिखा हूँ? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हूँ, ठीक है। ये भी मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हूँ, ठीक है। लास्ट वन देखते हैं, फोर्थ क्या है? देखो एक है फॉर्मिक एसिड, फिर ये एसिडिक एसिड प्रोपेनिक एसिड, ठीक है। ये इधर देखो, इधर क्या कर दिया मैं? दो मिथाइल दे दिया, ठीक है, एक इधर से एक इधर से। इधर क्या दे रहा है, ठीक है, इधर ये दो है, इधर सिर्फ मिथाइल है और इधर एच है। देखो इसकी भी माइनस प्लस आई इफेक्ट लग रही है, इसकी भी प्लस आई, इसकी भी प्लस आई, ठीक है, इसकी भी प्लस आई, लेकिन सबसे प्लस आई इफेक्ट कम किसकी लग रही है? फॉर्मिक एसिड की। ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। इसकी दो लग रही है तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है, ये लीस्ट एसिडिक होगा, मेरी एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है ये। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, मीन्स मेरा एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? ABCD, ठीक है। मैं इसको लिखा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हूँ, ठीक है। देखते हैं मोर एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं फिफ्थ एग्जांपल, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको, ठीक है, अरेंज करना है। देखो ये रिंग स्ट्रेन वाला आपको कंसेप्ट बताया था फिफ्थ, ठीक है, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉपर्टी पढ़े थे, ठीक है, तब मैं आपको रिंग स्ट्रेन का कंसेप्ट बताया था कि जैसे मेरा रिंग स्ट्रेन ज्यादा वैसे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो मेरा एसिडिटी क्या होगा? एसिडिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जैसे रिंग्स जैसे छोटी होती जाएगी वैसे वैसे मेरी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मेरा 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो 3 मेंबर की सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है। तो पहले आएगा ए होगा मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर आएगा 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर कहाँ पे? सी पे है, ठीक है। तो फिर वो आएगा, फिर आएगा 5th मेंबर रिंग, तो 5th मेंबर रिंग क्या है? हाँ, बी पे है, तो बी मेरा। फिर आएगा, फिर लास्ट में आएगा 6th मेंबर रिंग, ठीक है, वो है हमारा डी पे। तो ये हो गया हमारा एसिडिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 6th एग्जांपल में क्या कहा है, ठीक है। देखो पहले तो मेंशन कर दो कि इसके क्या इफेक्ट है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। इफेक्ट पहले मेंशन करने की गलती पहले कर देने का कि इफेक्ट मेरी कौन सी लग रही, ठीक है, वो इफेक्ट मेंशन कर दोगे तो गलती होने की चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट में मैं लिखवाया था, इसका प्लस आई इफेक्ट है। क्या है इफेक्ट? है प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसका एक माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। नो डाउट ये आगे हम पढ़ेंगे तब ये रेजोनेंस पे भी काम करेगा, ठीक है। तो ये अभी अभी हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्या अप्लाई कर रहे हैं? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी माइनस आई इफेक्ट है, इसकी भी क्या इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा मीन्स मेरा बी माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर में आप देखोगे तो मेरा C3C है वो मोर माइनस आई इफेक्ट है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बी का सबसे ज्यादा एसिडिटी होगा, देन होगा सी का, और बाद में होगा ए का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम एसिडिटी को अरेंज कर दिया है। अब देखते हैं सेवंथ एग्जांपल। देखो सब में एक कॉमन क्या है, सब में एक कॉमन ग्रुप है एफ दिया है, ठीक है, इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, इधर भी एफ है। तो आपको मैं जब इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था तभी बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसी इफेक्ट है मेरी? डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मीन्स जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ेगा
वैसे वैसे मेरी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगी, इंडक्टिव इफेक्ट मेरी कम होती जाएगी, ठीक है। मीन्स की मेरी इंडक्टिव इफेक्ट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। जैसे मेरा सोर्स है, इधर सोर्स क्या है मेरा, ये सोर्स है, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। मीन्स अगर इफेक्ट कौन लगा रहा है, एफ लगा रहा है, तो मेरी एफ की इफेक्ट क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी एफ की इंडक्टिव इफेक्ट कम होती जाएगी। और इधर एफ क्या है, हमारा माइनस आई इफेक्ट वाला है, ठीक है। सबकी लग रही है माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है, एसिडिटी को बढ़ाता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट में है मीन्स मेरा सोर्स से जितना भी दूर होगा उतना उसकी एसिडिटी कम होगी, ठीक है ना। जैसे सोर्स से अगर ये मेरा सबसे सोर्स से सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे ही है, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। और ये एफ वाला तो इससे भी दूर है, ठीक है। ये देखो ये ग्रुप इधर है, फिर बाद में एक मिथाइल है, ये ग्रुप पे है, लेकिन ये एडजेसेंट के बाजू में है। एक मिथाइल हम कम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका इधर CH2 कर देते हैं और इसके ऊपर एफ, ठीक है, सब सेम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये दो नंबर पे है इसके बाद, और ये आ गया हमारा तीन नंबर पे, ठीक है। तीन नंबर पे आया मीन्स इसकी जैसे जैसे मेरा सोर्स से डिस्टेंस बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी क्या हुई, इंडक्टिव इफेक्ट कम होती है, कम हो गई, कम हो गई मीन्स मेरी एसिडिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, ठीक है। एसिडिटी मेरी डिक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा किसकी एसिडिटी होगी, ए की, ठीक है। ये मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन बी होगा, और देन सी होगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट मेरा कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी एक मेन रूल अप्लाई करते हैं, डीएनपी रूल, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है। तुमको अगर मोर देन वन ग्रुप एक कार्बन पे अटैच कर दिया, एडजेसेंट कार्बन पे भी मोर देन वन ग्रुप अटैच कर दिया, तो कैसे एसिडिटी डिसाइड करते हैं, वो हम देखते हैं डीएनपी रूल से। किस कौन सा रूल है वो, डीएनपी रूल, उसको बोलते हैं डिस्टेंस नंबर एंड पावर, ठीक है। वो देखते हैं पहले, वो देख लेते हैं, बाद में उसका डीएनपी का हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, तो डीएनपी रूल को हम अप्लाई करना सीख लेंगे, ठीक है। इसमें पहले इसको हटा देते हैं और अप्लाई कर पहले डीएनपी रूल को सीख लेते हैं, ठीक है। डीएनपी रूल क्या कहता है, देखो ये मेरा डीएनपी, ठीक है ना, डी एन एन पी, ये मेंशन करता है डिस्टेंस, क्या मेंशन करता है, डिस्टेंस, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर, फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पावर, ठीक है। मीन्स अगर कोई मैं कार्बन एक एसिड ले लिया हूं, ठीक है, एग्जांपल बाद में कराता हूं, ठीक है, कराता हूं अभी, ठीक है। इधर दो एफ ले लेता हूं, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, और CH3CH इधर एफ ले लेते हैं, ठीक। पहले तो हम कभी भी कोई भी एग्जांपल सोल्व करने से पहले क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। पहले हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस, देखो ये दोनों में सबसे नजदीक कौन है, ये मेरा सोर्स ये है, उसके बाजू में जिसकी इफेक्ट लग रही है ये मेरी इफेक्ट है, ठीक है। तो ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये इसके एज कम्पेयर टू दिस वन ये नजदीक है ना, तो पहले देखेंगे डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे नंबर के उसके बाजू में जो अटैच है एक ही कार्बन पे वो कितना अटैच है, ठीक है, एक अटैच है, दो अटैच है, ठीक है। फिर अगर डिस्टेंस एक हुआ तो फिर नंबर पे जाएंगे, अगर डिस्टेंस ही कोई अलग है, ठीक है, एक का इधर है, एक का इधर है, तो इधर इसका तो कंसेप्ट सोल्व हो गया कि ये हमारा ज्यादा एसिडिक है, ये हमारा कम एसिडिक है, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम रहा तो फिर जाएंगे नंबर, अगर नंबर भी सेम रहा फिर हम जाएंगे उसकी इफेक्ट पे कि उसकी पावर कितनी है, मीन्स एफ, अगर एफ है, सीएल है, बीआर है, ठीक है, ऐसा कोई दे दिया होगा तो पावर देखेंगे फिर कि एफ की माइनस इफेक्ट ज्यादा है तो वो एसिडिटी को मेरा बढ़ाता है, फिर सीएल की इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीआर तो वो मेरी एसिडिटी क्या करेगा, वो एसिडिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वो बाद में लास्ट में पावर देखेंगे, पहला क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी बोला हूं कि मेरी इंडक्टिव इफेक्ट कैसी है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस नंबर एंड पावर को अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल,
एग्जांपल में डीएनपी अप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो कि पहले डीएनपी अप्लाई करने से पहले पहला काम क्या करना है हमको, कि जब हमारा जो सोर्स दिया है ना, जो कोई ग्रुप दिया है, उसके बाजू से कार्बन से हमको उसको नंबर दे देना है, ठीक है। सपोज इसको देना है अल्फा बीटा गेमा, ठीक है, सबको नंबर दे देते हैं, ये है अल्फा बीटा गेमा, अल्फा बीटा गेमा, अल्फा बीटा गेमा। देखो ये देने का कारण एक ही है कि मेरा इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मींस हमको डिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है। जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा, मेरा माइनस इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट मेरा कम होता जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा तो मेरा ऑब्वियसली डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा मेरा एसिडिटी पे, ठीक है। तो पहला तो हम देखेंगे डायरेक्ट कि मेरा अल्फा पोजीशन पे कोई ग्रुप है कि नहीं है। देखो इसमें है, नहीं है, इसमें है तो नहीं है, इसमें है तो इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे आ गए, डीएनपी रूल, ठीक है, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, ठीक है। पहले हमको क्या देखना है, डिस्टेंस ही देखना है, तो पहले देख लेते कि मेरा अल्फा पोजीशन पे कोई है तो एबीसी में तीन में नहीं मिला, फोर्थ में मिला है, फोर्थ में मिला है मींस कि मेरा इधर क्या इफेक्ट है, ऑब्वियसली ये माइनस सीएल है तो माइनस आई इफेक्ट, हमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है दोनों का, इसका क्या इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो डी मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब जा रहे हैं बीटा कार्बन पे, ठीक है, बीटा कार्बन पे देखो कौन सा एटेच है, तो कि दो सीएल इधर बीटा कार्बन पे, इधर सीएल है, इधर भी क्या है, इधर इधर क्या दिया, एफ दिया है, ठीक है, दो एफ दिया है, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इसके काम तो खत्म हो गए, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब देखना है ये दोनों को, फिर आप बोलोगे कि इधर दो सीएल है लेकिन इधर एफ की इफेक्ट माइनस इफेक्ट तो ज्यादा थी, लेकिन हमको डीएनपी रूल इसलिए पढ़ा जा रहा है कि डीएनपी रूल मींस पहले हमको डिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है, पहले डिस्टेंस देखेंगे फिर देखेंगे नंबर। पावर तो मेरा कहां लिखा है, सबसे लास्ट में, मींस पावर, नो डाउट पावर तुम बोलोगे कि माइनस इफेक्ट एफ का मेरा सीएल से ज्यादा है तो वो क्यों आगे नहीं है यार, लेकिन डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले हम सिर्फ देखेंगे डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस सेम मिला फिर जाएंगे नंबर पे, अगर नंबर भी सेम मिला फिर जाएंगे पावर पे, ठीक है। देखो इधर डिस्टेंस क्या है यार, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, अब नंबर देख लेते हैं, नंबर क्या है, नंबर भी दोनों में दो दो ही है, ठीक है, नंबर देख लिया, दो दो मिला दोनों में, तो पावर पे जाते कि अब पावर किसकी ज्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली एफ की है, ठीक है, एफ की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है इस कम्पेयर टू सी एल, तो क्या करेगा ये, इसकी एसिडिटी मेरी ज्यादा है एस कम्पेयर टू ए, ठीक है, तो मेरा बी उसके ज्यादा एसिडिक फिर आएगा ए, तो ऑटोमेटिकली बी ऑटोमेटिकली मेरा सी अरेंज हो रहा जा रहा है, ठीक है, सी मेरा इधर आएगा, ठीक है। तुम देखोगे कि ये कार्बन के इधर सी एस रेटेज है, देखो ये कार्बन पे देखो तीन सी एल रेटेज है, फिर भी ये दोनों इससे ज्यादा एसिडिक है, उसका रीजन है कि ये गेमा पे है, ठीक है, नहीं बीटा पे, गेमा कार्बन पे है, तो हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट मैटर करता है डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो पहले हम डिस्टेंस देखेंगे फिर नंबर देखेंगे फिर पावर देखेंगे। सोल्व करते हैं सेकंड वन, सेकंड में देखो पहला काम क्या करने का, ऑलवेज नंबर दे देने का, ये मेरा है अल्फा, ये है बीटा, ये है गेमा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और इसको भी देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। देखो तो अल्फा कार्बन पे कुछ मिलता है तुमको, देखे इधर मेरा को साइनाइड मिला, इधर कुछ नहीं मिला, इधर भी कुछ नहीं मिला, डी में मेरा को एनओ टू मिला, तो देखो इधर एनओ टू है, इधर साइनाइड है, तुम बोलोगे एनओ टू का माइनस इफेक्ट ज्यादा है एस कम्पेयर टू साइनाइड, ठीक है, एनओ टू का माइनस इफेक्ट ज्यादा है एस कम्पेयर टू साइनाइड, ठीक है, ये दोनों का भी माइनस इफेक्ट लग रहा है, इस दोनों का माइनस इफेक्ट लग रहा है, लेकिन तुम बोलोगे इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है साइनाइड से, लेकिन हम क्या जाएंगे, ठीक है, पहले डिस्टेंस देख लिया, डिस्टेंस हमको सेम मिला, फिर जा रहे हैं नंबर पे, फिर नंबर किसका ज्यादा है, नंबर तो इसका ज्यादा है क्योंकि इधर तो एक है इधर दो है, दो दो माइनस इफेक्ट लग रही है इसको, इधर तो एक ही माइनस इफेक्ट लग रही है, तो फिर नंबर पे जाएंगे, अगर नंबर पे काम मेरा हो गया फिर पावर देखना ही नहीं है हमको, ठीक है, इधर मेरा नंबर से काम हो जा रहा है, इसके पास दो साइनाइड है, इसके पास सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है, ठीक है, एक एनओ टू है मीन्स एक ही माइनस इफेक्ट वाला, इधर मेरे पास दो दो माइनस इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो पहला मोर एसिडिक ये होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीएनपी रूल, ठीक है, डीएनपी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, उसको फॉलो करेंगे कभी आंसर गलत नहीं आएगा, तो ए मेरा सबसे एसिडिक होगा।
फिर होगा डी होगा। फिर देखो बी पे जाएंगे, बीटा कार्बन पे, ठीक है, बीटा कार्बन पे देख लो, ये तो इसका तो काम खत्म हो गया, इधर कुछ इधर क्या है, NO2 दिया है, इधर क्या दिया है, साइनाइड दिया है वापस, इधर वापस सेम कंसेप्ट है, इधर क्या है, अगर दोनों पे ठीक है ग्रुप दिया है कोई इश्यू नहीं, हमने देख लिया डिस्टेंस, देख लिया दोनों का डिस्टेंस सेम है, नेक्स्ट कहाँ पर काम आया, हमको जाना है नंबर पे, नंबर देखो नंबर किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली इधर दो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, इधर एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो मीन्स माइनस आई इफेक्ट वाला ज्यादा ग्रुप होगा तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये वाला, ठीक है, इसके पास एक ही माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ठीक है, तो मेरा सी का माइनस आई इफेक्ट, तो एसिडिटी उसकी ज्यादा होगी, तो मेरा बाद में आएगा सी, ठीक है, और लास्ट में बी तो ऐसे ही अरेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनपी रूल से हमने अप्लाई किया हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा आई होप, अगर कुछ डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब लास्ट में एक एसिडिटी का ऑर्डर देख लेते हैं पूरा, कि अगर मेरे को कोई भी दे देता है तो मेरा एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, मगर देखो पहले कभी एसिडिटी का ऑर्डर पूछे तो पहले अरेंज करना है मेरा कोई एसिडिक ग्रुप के साथ माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप दिया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला कोई भी ग्रुप अटैच है वो हम कंसिडर करेंगे, उसकी सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है, एसिडिटी के कंसिडर करेंगे जब, तब मेरा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस इफ आई इफेक्ट वाला या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई मेरा फंक्शनल ग्रुप से एसिडिटी का ऑर्डर पूछे तब फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला सबसे एसिडिक होगा मेरा, ठीक है। फिर आएगा फॉर्मिक एसिड, फिर आएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फिर आएगा बेंजोइक एसिड, फिर आएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के बाद आएगा एलिफेटिक एसिड, क्या आएगा, एलिफेटिक एसिड मीन्स जिसकी जिसमें प्लस आई इफेक्ट लग रही हो, ठीक है, एसिड है नो डाउट लेकिन प्लस आई इफेक्ट लग रही है उसमें। फिर आएगा मेरा फिनोल, फिनोल आएगा, ठीक है, फिनोल के बाद आएगा मेरा वाटर, ठीक है, उसके बाद आएगा वाटर, वाटर के बाद आएगा मेरा अल्कोहल, देखो इधर क्या है, अल्कोहल में से सिर्फ एक मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल वो मेरा ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, ये दो के लिए ये ऑर्डर ध्यान रखने का, ठीक है, मिथेनॉल मोर देन वाटर, ठीक है। फिर रहेगा ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और फिर लास्ट में रहेगा मेरा एमोनिया, ये हो गया ओवरऑल एसिडिक, ओवरऑल एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है, और एक बात बता देता हूं कि अगर कभी भी कॉन्जुगेटेड एसिड दे दिया है, ठीक है, एसिड के साथ कॉन्जुगेटेड एसिड दे दिया है और अरेंज करने को पूछा है तो पहले हम एसिड को अरेंज करेंगे बाद में उसके कॉन्जुगेटेड को, ठीक है, पहले एसिड अरेंज करेंगे बाद में उसका कॉन्जुगेटेड को अरेंज करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का। इधर हमारा एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तब तक के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करें, थैंक यू।